हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। सो मेरा थंबनेल आप सभी ने पढ़ लिया होगा, मोती का पौधा कैसे लगाएं। आप भी मेरे साथ सोच रहे होगे ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके ऊपर मोती लग सकते हैं, लेकिन ऐसा पेड़ होता है। आज जब मैं वो पेड़ ले आई थी, मैं भी आप ही की तरह बहुत कंफ्यूज थी कि मेरे को तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा पौधा होता है जिसके ऊपर मोती लगते हैं। क्योंकि जब नर्सरी वाले ने बोला कि इसके ऊपर मोती लगते हैं, मैंने सोचा बेवकूफ बना रहा है, अपनी सेल करने के लिए कुछ भी बोल रहा है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, प्लांट तो सुंदर है, ले लेती हूँ। तो जब मैं लेके आई तो इतने छोटे से बैग के अंदर था। फिर मैंने उसको बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट किया, तभी भी मुझे भरोसा नहीं आया कि उसके अंदर मोती आएंगे या ऐसा कुछ होगा। मैं तभी भी यही सोचती रही कि नर्सरी वाले ने जो मुझसे पैसे फालतू में ले लिए और मुझे बेकार का प्लांट कोई थमा दिया, क्योंकि मुझे उस पौधे का उस टाइम पर नाम नहीं पता था। तो अगर मैं सर्च भी करती तो क्या बोल के सर्च करती उसको नेट पर। फिर मुझे उसका बाद में आफ्टर ऑल नाम पता चला, लास्ट में उसको वैजयंती बोला जाता है। तो जो वैजयंती होते हैं, कृष्ण जी ने इस पौधे को लगाया था 5000 ईयर अगो। ऐसा बोला जाता है कि उनके जो फादर थे कृष्ण जी के, उनके गले में ये माला थी, तो कृष्ण जी ने उस माला को तोड़ के ब्रज में, सारे ब्रज में बिखेर दिया था। तो जब भी आप कहीं मथुरा ब्रज वगैरह जाओगे तो वहाँ पे आपको ये मोतियों का पौधा मिलेगा, वैजयंती बोला जाता है। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पसंद है कृष्ण जी को, ये वाले मोती जो होते हैं, वैजयंती माला बहुत पसंद है। उनकी जो एक आरती है उसमें भी आप सुनोगे तो उस आरती में भी इसका वर्णन मिलेगा। तो भगवानों को जो माला चढ़ाई जाती है, वैजयंती की माला चढ़ाई जाती है, बहुत बाद में मुझे नाम पता चला वैजयंती है। चलो मैं आपको मोती शो कर देती हूँ। तो ये मोती आप देख लीजिए, ये इन्हें बोला जाता है वैजयंती के मोती। ये कृष्ण जी को बहुत प्रिय हैं ये मोती। अच्छा, आप इनकी माला बना के सभी भगवानों को पहना सकते हो। सबसे ज़्यादा जो ये मोती आपको मिलेंगे ब्रज के अंदर मिलेंगे। ये मोती मैं आपको हाथ में लेके दिखा देती हूँ, कुछ इस प्रकार से ये मोती होते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये सॉफ्ट है, लेकिन ये मार्बल टाइप में मोती हैं, ऐसे इतने जल्दी टूटेंगे नहीं। हाँ, इसको आप माला कैसे बनाओगे ये देख रहे हो, इसके अंदर ये छेद है, इसको आप पानी में भिगो दोगे तो ये जो इसके अंदर की लकड़ी है ये बाहर निकल आएगी। और आप इसको सुई से निकाल के इसका, ये अपने आप ही निकल जाएगा, सुई से निकालने की जरूरत नहीं। आप इसको पीले धागे के अंदर करके अपने सभी भगवानों को पहना सकते हो। जिन लोगों को बीपी हाई या बीपी जिनका लो रहता है, वो लोग अगर इसकी माला को गले में अपने माला बना के पहनते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी ये माला। और बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है ये माला, वैसे तो अच्छे कामों में यूज़ की जाती है, भगवानों के गले में चढ़ाई जाती है, उनको पहनाई जाती है, वैजयंती की माला बोलते हैं इसको। अगर आपको ये वाले मोती पसंद है वैजयंती के, तो आप इसका ब्रेसलेट वगैरह बना के अपने हाथ में पहन सकते हो। बोला जाता है कि अगर आप इसके वैजयंती के मोतियों को धारण करते हो तो उससे आपके सभी काम जो रुके हुए हैं वो बन जाते हैं। और एक और चीज़, और ये भी बोला जाता है, अगर इन मोतियों को आप राधा कृष्ण, आपने अपने घर में रखे हुए हैं तो राधा कृष्ण को अगर आप ये मोतियों की माला, मैंने इसमें माला बना रखी है वो दिखाती हूँ, मोतियों की माला मैंने बना रखी है, तो ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाती हूँ। अगर किसी के घर में राधा कृष्ण का जोड़ा रखा हुआ है आपने, तो अगर आप उनको ये मोती अर्पण करके और कोई भी उनसे अपनी विश मांगते हो तो ऐसा कहा जाता है एक साल के अंदर वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। अब इन मोतियों को ग्रो कैसे करना है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। चलिए, तो गाइज मैं अब आपको दिखा रही हूँ ये मेरे वैजयंती के जो बीज हैं इनको कैसे लगाना है। तो अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि ये जो एरिया है इसके अंदर ये जो लकड़ी लगी हुई है, हमें जब हम इसको ग्रो करेंगे तो ये लकड़ी निकालनी नहीं है। अगर हमने ये लकड़ी निकाल दी इसके अंदर से, तो इसकी जो जड़ें बननी हैं और तना बनेगा वो इसी के अंदर से बनेगा, वो नहीं निकालना है। मैं आपको हाथ में लेके दिखा देती हूँ एक बार और। एज यू कैन सी, ये कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक है। अच्छा, इन बीजों को लगाने का जो सबसे राइट टाइम है, जुलाई अगस्त में अगर आप लगा दोगे तो अच्छे से उग जाएंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है ना, इसमें बारिशें पड़ रही होती है और कोई भी पौधा हमारा सूखता नहीं है, और बीज जो होते हैं मिट्टी के अंदर अच्छे से फूल जाते हैं, तो ये लगाने का राइट टाइम है। और इसमें जो हमारे मोती निकलेंगे वो सर्दियों में निकल आएंगे। और ऐसा नहीं होगा, इसका कोई भी बीज नहीं होगा, सारे बीज निकल जाएंगे। तो ये मैंने चार होल किए हैं, आप चारों को जब निकल जाएंगे इनकी रूट्स, तो इनको अलग अलग प्लांट उसमें शिफ्ट कर लेना, ये चार छः पौधे आपके बन जाएंगे। एक पौधे में आपको हज़ारों निकल जाएंगे आपके मोती ये वाले, क्योंकि मेरे इतने सारे मोती, ये देख रहे हो ना आप, ये मेरे बचे हुए मोती हैं एक्स्ट्रा के, बाकी तो मैं सबको बांट चुकी हूँ। ये हमें लगाना है ऐसे, ठीक है, मैं चारों लगा रही हूँ अभी, ए कुछ ऐसे।
तो गाइज आप देख रहे हैं मैंने ये 6 बीज मिट्टी के अंदर लगाए हैं। अब आप क्या कीजिए, इनके ऊपर कुछ मिट्टी जो है ये पुट कर दीजिए, मतलब इनको दबा दीजिए। ज़्यादा गहरा मत दबाना क्योंकि आपको फिर खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपने बीज कहाँ लगाए थे। तो आप जो अपने बीज हैं ज़्यादा गहरे मत लगाना और इसको जो थोड़ा ही पानी देना, बस जैसी मिट्टी का ये टेक्सचर अभी है ऐसा ही टेक्सचर हमको चाहिए। इसी को आप जो शेडिड एरिया में शिफ्ट कर देना। फिर पाँच से छः दिन के बाद आपका जो है, आपको अपने जो बीज हैं जर्मिनेट होने हो जाएंगे, वो दिख जाएंगे आपको। तो आप क्या करना है, इसमें से अपने निकाल के वो एक अलग बड़े पॉट में शिफ्ट कर लेना, उससे आपका प्लांट बन जाएगा और आपके बहुत सारे वैजयंती के जो बीज हैं आपको मिल जाएंगे। ये मैं जो दिखा रही हूँ ये मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको वैजयंती के जो बीज हैं कैसे लगते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। आफ्टर फ्यू डेज मैं आपको उनके जो पौधे हैं वो भी शो करूँगी। सो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो बता के जाना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी कमेंट करके जाना मुझे, मैं सोल्यूशन करूँगी आपके कमेंट का। थैंक यू सो मच गाइज़।